सबसे कम रेट में नए डिजाइनिंग खूबसूरत दुल्हा गाड़ी सजावट, सेहला मैरिज हॉल स्टेज जयमाला बैलून के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें गाड़ी सजावट केंद्र चिनिया मोड़ काली मंदिर के सामने गढ़वा झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और अभी हम लोग उपस्थित हैं गढ़वा जिला के मिराल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पेस्का हाई स्कूल के प्रांगण में, जहां तक आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे कुछ ग्रामीण लोग भी उपस्थित हैं। इसके पीछे में भी आप देख पा रहे होंगे कि एक गाड़ी लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है बिजली विभाग द्वारा ये वैन आई हुई है यहाँ पेस्का हाई स्कूल के प्रांगण में, और जहाँ तक हम लोग का पता चला कि जो ग्रामीण लोगों के द्वारा जो बिजली कनेक्शन लिया गया था उसका भुगतान के लिए आज यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, और समस्या हो रही है कि जो लोग जो हैं एक घर में दो तीन भी अलग अलग गार्जियन के जो थे उन लोग का आधार कार्ड दे दिया गया था, उस हिसाब से बिजली यहाँ पर भुगतान किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो एक घर में दो या तीन तक भी आ जा रहा है, लेकिन एक ही कनेक्शन है और एक ही बिजली का बोर्ड है, लेकिन लोग जो है जैसे सरकार की तरफ जो योजना आती है सारे लोग ले चुके हैं। जो अगर सरकार ऐसा योजना निकाली है बिजली विभाग की तरफ से यदि वो दिया जा रहा है कनेक्शन तो फ्री में दिया जा रहा है तो सबको ले, लेकिन उसका कहने के आज वो गलती का नतीजा आज उन्हें भोगना पड़ रहा है। और सभी ग्रामीण लोगों का किसी का 5,000 तो 10,000 20,000 तक का भी बिजली का जो बिजली बिल है वो भुगतान किया जा रहा है। इस मैटर पे आज हम चामा पंचायत का मुखिया मोहम्मद महबूब आलम भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं जी। ये मामला जो है ये कहाँ तक आ रही है, और ग्रामीण लोग भी कहीं कहीं लोग बात कर रहे हैं जी ये सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है ये बिजली कनेक्शन जो लिया जा रहा है कहीं ना कहीं ये गलत है, हम लोग का डार्क में रखा गया है, हमारे घर में बिजली कनेक्शन बोर्ड भी लगा हुआ है लेकिन वो चालू नहीं रहने की वजह से आज बिजली का भुगतान किया जा रहा है, किस मुद्दे पर और कैसे किया जा रहा है, इसका ये सारे सवाल का जवाब अभी आपको मिलने वाला है जी। यहाँ के ग्रामीण लोग भी क्या कहना नाम है, सबसे पहले हम यहाँ के जो चामा पंचायत का मुखिया है महबूब आलम उनसे आपको मिलवाते हैं जी। सर, वो अभी यहाँ पर जो गाड़ी लगा हुआ है वैन लगा हुआ है बिजली विभाग द्वारा, लेकिन काफी ग्रामीण लोग बोल रहे हैं जी ये जो है बिजली भी हम लोग का कनेक्शन चालू नहीं किया गया फिर भी लिया जा रहा है, इस पर क्या आपको बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूंगा कि जो आज ये सुविधा हो रही है कि गांव में जा करके कैंप लगा करके बिजली बिल वसूली किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा कार्य है जी। जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा और बिजली विभाग के द्वारा जो लोगों को गढ़वा जा करके लाइन में लगना पड़ता था और उसके लिए अपना भाड़ा लगा के जाना पड़ता था, आज ये बहुत अच्छा है। और इस हिसाब से अगर हो तो एक बहुत सरकार का जो है बिजली बिल आसान हो जाएगा जमा करने में पब्लिकों को, और सरकार का एक बहुत बड़ी पहल है बहुत बड़ी पहल है। और एक इसमें सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे चूंकि ये जो आज ये जो देखने के मिल रहा है ये वास्तविक में सही बात है कि एक घर में दो दो तीन तीन कनेक्शन हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चूंकि एक घर एक है कनेक्शन उसमें तीन हो गया, उसमें समस्या ये आ रही है कि ये आज का नहीं है, ये पूर्व का जो है सरकार का समय जो है इस तरह का जो है आज ये सरकार का दोष हम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इसमें मेरा कहना यह है कि जो है जो तीन घर में हुआ है, क्योंकि ग्रामीण जनता को भी ये मालूम नहीं था कि हम एग्रीमेंट कराए हैं वो भी बिल मेरा चालू हो जाएगा, और जो आधार कार्ड से जो हम मीटर ले रहे हैं उसको भी चालू हो जाएगा, तो ऐसा हुआ है। इसमें एक बिल ही चालू कराया जाए मुझे ये कहना है अभी की सरकार में, और हम लोग जा करके बात भी करेंगे माननीय मंत्री जी से विधायक जी से और आगाह भी करेंगे कि एक ही बिजली बिल जो है से किया जाए, बाकी जो भी है उसको या तो निरस्त करवाया जाए या उससे माफ करवाया जाए, क्योंकि तीन तीन बिल एक ही ग्रामीण नहीं भर पाएंगे ये संभव नहीं है, ये हम लोग पहले भी सोचे हुए हैं और अभी भी इसको हम लोग मांग रखेंगे जा करके, क्योंकि तीन बिल जो है जो आ रहा है वो आधार कार्ड से है, आधार कार्ड उसको निरस्त करवा करके हम लोग जो भी ग्रामीण जनता है इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे और कोई भी भयभीत ना हो। लेकिन एक बात ये कहना चाहेंगे हम कि अगर उनके घर में तीन बिजली बिल है, एक बिजली बिल अगर वो रखना चाहते हैं तो एक बिजली बिल जो है से अपना वो जमा करें, एक जमा करें और दो के लिए वो अपना एक आवेदन बनावे कि मेरे नाम से या मेरे फलाने के नाम से
तीन बिल हो गया है, मैं फलाना बिल नंबर इतना का रखना चाहता हूँ और शेष दो बिल को मैं बंद करवाना चाहता हूँ और ये विभाग को आवेदन देवे और रिसीव करा के देवे आवेदन, क्योंकि उस आवेदन अगर रहेगा तो हम लोग को एक मांग रखने के लिए और एक कहीं भी बात करने के लिए वो हम लोग एक आधार रहेगा। जी जी, मेरा यही कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, कुछ ग्रामीण लोग बात कर रहे हैं जी, हमें उस वक्त का भी बिजली पे करना पड़ रहा है जिस समय हम लोग बिजली कनेक्शन लिए भी नहीं थे, कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं, इस पर क्या? जी ऐसा हुआ है, इसमें भी चुप हुआ है। उसमें हुआ क्या है कि लोग बिजली तो एग्रीमेंट करा चुके, चूंकि पूर्व में एग्रीमेंट कराया हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो बिना एग्रीमेंट का या आधार कार्ड से आ गया है, उसमें एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट का रसीद भी उनके पास होगा। लेकिन वहाँ हुआ क्या है कि कहीं के ऐसा है कि वहाँ तार पोल गया भी नहीं और उसी आधार पे उनका बिल चालू हो गया। अगर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उनका अगर अभी भी तार पोल अगर नहीं गया है वहाँ पे और उनका बिल आ रहा है तो उनको भी एक आवेदन के माध्यम से विभाग को सूचना करना चाहिए। जब तक वो विभाग को लिखित नहीं देते हैं ये कोई नहीं बैठे बैठे जान पाएगा, वहां उनको जाना पड़ेगा। और इसमें जागरूक जरूरी है, जागरूकता जरूरी है सभी लोगों को, जितने भी ग्रामीण हैं सभी को जागरूकता होना जरूरी है, क्योंकि आप आवेदन देंगे तो उस आवेदन के माध्यम से आपके घर तक वो जाँच होगा और जाँच जब होगा तभी पता चल पाएगा कि इनका बिल को माफ किया जाए, इनका बिल को कुछ किया जाए, चूंकि वो भी आगे अपना जिला को देंगे, जिला अपना आगे बढ़ाएंगे। तो उससे मुझे लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन उनको आवेदन देना होगा। बिल्कुल, जैसे कि जानकारी मिला कि कुछ लोग जो हैं इसमें, अगर आप कह सकते हैं जो कहीं न कहीं ग्रामीण लोग ही चुक चुके हैं, फ्री के नाम पर जो है एक के अलावा अनेकों कनेक्शन रह ले लिए हैं, कहीं न कहीं ये ग्रामीण लोगों के ही कमी है जहां तक हमें पता चला। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक मुद्दा मुखिया जी के माध्यम से ये मिला कि जो ग्रामीण जो इच्छुक है, जो कनेक्शन रखना चाह रहे हैं वो कनेक्शन ही आगे चल के वो बिजली का भुगतान करें, अन्यथा जो एक्स्ट्रा है उनके घर में दो तीन अगर एक्स्ट्रा कनेक्शन है उसकी एक आवेदन लिखे और वो संपर्क करे, एकजुट बना के यहाँ के जो विभागीय स्तर पर है उसे सूचित करे कि ये जो है बाय मिस्टेक हुआ है, ग्रामीण लोगों की गलती से या स्वयं की गलती से ऐसा मैंने कनेक्शन ले लिया था, लेकिन उसकी जो है सुनवाई किया जाएगा। और इस पर जो पहल है चामा पंचायत के मुखिया जी के माध्यम से बोला गया है इस जो है पहल, इस पर हम भाग आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। कैमरामैन विकास के साथ मोहम्मद मुश्ताक, धन्यवाद।